ओम सूर्य देवाय नमः। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। इतनी खूबसूरत सुबह है ये, और आज देखिए हम सुबह सुबह एक ऐसे रास्ते पर हैं जहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। रास्ता बहुत खूबसूरत है और हम इसी रास्ते पर आगे आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी जगह, एक ऐसा विलेज है जिसका नाम मैंने भी पहली बार सुना था। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है, सेंकुरा विलेज इसका नाम है, लेकिन जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हमें बहुत क्लियर स्नो पीक्स दिखने शुरू हो गई हैं, यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है। कितनी शाइन कर रहा है ये, वाह। हम पहुँच गए हैं रीची, बहुत अच्छी जगह हमें यहाँ मिल गई है, क्योंकि देखो चूल्हे के पास हम बैठे हुए हैं। यहाँ आज चूल्हे पे बनी हुई चाय पियेंगे और साथ में बन भैया हमें खिलाने वाले हैं। ये क्या खाएगा? बिस्किट। ये देखिए हमारी चाय बन रही है। अब इसमें इसको ढक देंगे तो इसमें उबाल आ जाएगा। दूध भी बिल्कुल प्योर बढ़िया वाला। तो हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत पास पहुंच गए हैं, और अब पहुंचकर हमें समझ में आया है कि ये रूट आप कनेक्ट कर सकते हैं रामनगर से, रानीखेत से, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप रानीखेत यहाँ से 60 किलोमीटर दिखा रहा है। यहीं से अब हम आगे जाएंगे, पहले सेंकुरा विलेज नहीं जा रहे हैं हम। यहाँ पर बहुत सुंदर मनेला देवी का मंदिर है, पहले हम वहाँ जाएंगे। यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर है। तो हम पहुँच गए हैं मनेला देवी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बेसिकली दो मंदिर हैं, तल्ला मनीला और मल्ला मनीला। तल्ला का मतलब होता है नीचे और मल्ला का मतलब ऊपर। ये कुमाऊनी वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे कुछ कहानी भी है। तो पहले दर्शन करते हैं, फिर हम इसकी कहानी आपको बताएंगे। ऐसा जो कहानियों में कहा गया है कि हाथ काट कर माता का यहाँ से लेकर गए थे, और यहाँ से जस्ट 6-7 किलोमीटर आगे तक ही पहुँच पाए थे। वहाँ उन्होंने डोली रखी और वहाँ से फिर वो डोली हिली ही नहीं उनसे, तो वहीं पर मल्ला मनीला की स्थापना की गई। दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हैं, मेडिटेशन के लिए बहुत सुंदर जगह है ये। यहाँ पर गुरुकुल के बच्चों को दीक्षा भी दी जाती है, और साथ ही यहाँ उत्तराखंड के सभी देवताओं का एक संग्रहालय है बहुत खूबसूरत, जहाँ पर आप उनके दर्शन एक साथ कर सकते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, 1488 में यहाँ पर कत्यूर राजा ने इसको स्थापित कराया था। इसमें भगवान विष्णु और माँ मांडा देवी है। भगवान विष्णु इनका हाथ कट के गया था ऊपर मंदिर करा था जी, जो पुराना मंदिर है, और वो सर्वांगपूर्ण मूर्ति बन गया ये नहीं। अच्छा, मंदिर से ही देखिए बहुत सुंदर त्रिशूल पर्वत के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से हमें। नीचे ये सारे ओक ट्रीज। हम मंदिर से सिर्फ 200 मीटर आगे आए हैं और इतना खूबसूरत स्पॉट मिला है ये हमें। रोड बहुत सुंदर है, पूरा ये पाइन ट्रीज यहाँ पर, और बिल्कुल हमारे सामने स्नो पीक्स। बिल्कुल आइडियल प्लेस है ये यहाँ पर शूटिंग्स के लिए, और आप अपनी पिक्चर्स तो ले ही सकते हैं। हम भी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। हम पहुँच गए हैं अपने ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर। बहुत खूबसूरत ये विलेज है, और जैसे कि आप देख रहे हैं, देखने से इतना सुंदर लग रहा है, स्नो पीक्स हमें यहाँ से भी दिख रही हैं। एंड दिस इज़ आवर होम स्टे, द स्टोनेज ग्रुप। नमस्कार। थैंक यू, वेलकम। बहुत ही सुंदर वेलकम है इनका, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए सेटअप, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट जो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर, वाओ।
हमारा रूम देख के आप खुश हो जाएंगे, मतलब मुझे इतना प्यारा लग रहा है ये रूम, मैंने इस तरह का रूम एक्चुअली कभी नहीं देखा है। दिस इज़ रियल होम स्टे, देन एंड आपको बिल्कुल होटल वाला मिल रहा है, अप टू द मार्क, नीट एंड क्लीन। छोटी छोटी चीज़ें आप देखेंगे, पूरा ये मिट्टी से लिपा हुआ, लालटन्स, प्रॉपर डेस्क दिया हुआ है, हैंगर्स इवन दिए हुए हैं कपड़े रखने के लिए। नीचे फ्लोर भी मिट्टी का ही है, साथ में अटैच वॉशरूम। स्टोन्स बहुत सुंदर लगाए हुए हैं इन्होंने। दिस इज इको होम स्टे। और देखिए हमारे रूम से ही हमें स्नो पीक्स दिख रही हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है और बहुत सुंदर विलेज है ये, और होम स्टे तो अपने आप में ही सुंदर है, यूनिक है बिल्कुल, जिसमें हमें भटकी चुरकानी, जैसे भटकी दाल भी हम बोल सकते हैं, और साथ में राइस, ये अचार देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और आपने प्लेट्स बहुत अच्छी रखी हुई है, हमारी बेस्ट फेवरेट प्लेट्स है ये, इनमें खाना बहुत ही आसान होता है। और हम देखो कहाँ बैठ के खा रहे हैं, कितनी बढ़िया हमारी डाइनिंग टेबल है और सामने बहुत सुंदर व्यू। लंच के बाद, चाय के बाद अब हम जा रहे हैं विलेज वॉक पे, लेकिन सबसे पहले मैं इस फैमिली से आपको मिलवाना चाहती हूँ। मंगला है, देखो बहुत शैतान है ये, नहीं हम नहीं आ रहे तेरे पास, ओके। इसकी मम्मी है नंदनी और इसका भाई है नंदी, ये बहुत प्यारे हैं सारे। अभी हम जा रहे हैं, बाय बाय, अभी हम विलेज वॉक कराते हैं आपको, बहुत सुंदर है ये। इतनी सुंदर खेती की हुई है इन्होंने, बैंगन लगे हुए हैं, ये क्या है? बड़ी। ओ अच्छा, इसका पेठा बनता है ना? हाँ जी, उसको यूं करके कोर के, मतलब पेठे के अंदर से निकाला ये? हाँ। उसकी बड़ी है? हाँ। वाह, नई चीज देखी है तो। ये राजमा की फली है ना, ऐसी होती है शायद राजमा की फली भी। हाँ, राजमा की होती है, फिर ये दूसरी है। अच्छा, छिनी। तो देखिए ये विलेज वॉक तो इस तरह की आप हमेशा करते हैं, लेकिन ये स्पेशल क्यों है मैं बताती हूँ। हम इस विलेज तक कैसे पहुँचे, क्योंकि इस विलेज में जनरली ऐसे ही आ जाना का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक मैजिकल पत्थर है, वैसे वो एक आस्था का प्रतीक कह सकते हैं आप उसे, क्या स्टोरी है उसके पीछे वो तो हम आपको वहाँ पहुँच कर बताएंगे, लेकिन उसने सच में इस गाँव से पलायन को एक तरह से आप कह सकते हैं रोक दिया है, और कोशिश अभी जारी है। बहुत प्यारे प्यारे घर हैं। प्रणाम। और ये शर्मा जी से ये ला रही, प्यारे प्यारे घर और प्यारे प्यारे लोग। बुड्ढा बुड्ढा है, बुड्ढा बुड्ढा है, बुड्ढा बुड्ढा प्यारा प्यारा है। डिश देखो, डिश कैसे फिट करी हुई उन्होंने। चौखट कितनी सुंदर है। जैसे कहते हैं ना पहाड़ी, हाँ। उत्तराखंड का या कुमाऊं का कह लो, गढ़वाल का कह लो, जो भी है उत्तराखंड का, हाँ। ये आपको हवेली नजर आएगी राजपूतों की। देखिए यहाँ पे हमें तो सिर्फ बंगलो दिखा, लेकिन अभी भैया ने बताया कि यहाँ ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे होल्स हैं, वो चिड़ियों का घर है। अभी गई हुई हैं, शाम को आएंगी सब यहाँ पर आ जाएंगी अपने अपने बंगलों में, ये उनका बंगलो भी है। क्या बनाने वाले हैं आज? क्या बनेगा इसका? इसका मुझे लग रहा है ये दाल आप पीस रहे हो तो कुछ कचौरी भी बन सकती है, या पकौड़े बन सकते हैं। इडली बना रहे हैं। इडली। इडली, ओके, इसकी इडली तो बहुत ही बढ़िया बनेगी।
ये है असली विलेज वॉक, मज़ा आ गया। सब लोगों से मिलते हुए बात करते हुए आ रहे हैं हम। बस यही है, बस यही है, आ गया। ये सब तरीके हैं। ये है वो पत्थर, कैसे मतलब बैलेंस कैसे हो रहा है, मैं तो ये देख के हैरान हूँ। सिर्फ नीचे इतना इतना सा दो जगह पे पार्ट जुड़ा हुआ है और इतना भारी पत्थर। इसे चमत्कारी इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आस्था, गाँव के लोगों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। देश विदेश से लोग इसे देखने आते हैं। मैं इतनी देर से यहाँ पर सिर्फ इसको देखे जा रही हूँ कि ये कैसे बैलेंस्ड है। सीरियसली ये देखने वाली चीज़ है कि कैसे ये दो पॉइंट्स पर बस सिमटे हुए हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया हमें कि इतने आंधी तूफान आते हैं यहाँ, इतने पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन इस पत्थर को कुछ नहीं हुआ अभी तक, ये टस से मस नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो देखो शक्ति है। मेरी हाइट से डबल है ये लगभग, तो हम 10 प्लस ही कह सकते हैं इसको ऊँचाई। यहाँ पर बैठकर सामने सन है, सुबह सनराइज और सनसेट के टाइम पे, इनफैक्ट आप यहाँ बैठ के अगर मेडिटेशन करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन अकेले मत आइएगा क्योंकि पूरा जंगल वाला एरिया है, तो गांव वाले वैसे साथ ही आते हैं हमेशा जब भी आप यहाँ पर ट्रैक पर आते हैं, लेकिन ये खूबसूरती शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। सामने इतना ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है, ये इस ब्यूटीफुल पत्थर का नाम भी है ठुलढुंग। सो बेसिकली मीन्स इज बड़ा और पत्थर, ठुल ढुंग, बहुत ब्यूटीफुल, बड़ा प्यारा सा नाम है। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे शूट लिए जाते हैं, कहाँ कहाँ चढ़कर। आगे मत जाओ। और उसके बाद कह देते हैं कि मजा नहीं आया इस बार वीडियो। नहीं, ये वीडियो देख के जरूर बोलेंगे कि मजा आ गया। डन, इससे थोड़ी एनर्जी मिलेगी। रवि और विशाल ने हमारे साथ पूरा ट्रैक किया। गांव में जब ये फील, पता है गांव में ही मिलता है। अब जैसे हम यहाँ पर पूरा विलेज ट्रैक कर रहे थे, ये हमें मिले, हमसे बात हुई, ये हमारे साथ गए वहाँ तक, बड़ा अच्छा लगा हमें। आते टाइम जो अमरूद खा रही थी ना मैं, वो इन्होंने ही तोड़ के दिया था, बहुत मीठा था। और साथ में अभी हम जब तक पहुँचे हैं, पीछे से देखो हमारे लिए और क्या गिफ्ट्स लेके आए हैं। इतने बड़े बनाना मैंने कभी देखे ही नहीं है, और बिल्कुल पके हुए हैं ये, और साथ में ऑरेंज भी। थैंक यू सो मच। देखिए इतना अच्छा विलेज हमने आपको दिखाया, पूरा टूर कराया, जो चमत्कारी पत्थर है उसके बारे में हमने जितना हमें पता था हमने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर हम विक्रम सिंह बंगारी जी से मिले हैं, जो एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास है हम उन्हीं के मुँह से आपको बताएंगे, साथ ही उस पत्थर के बारे में भी। विक्रम जी बताइए। सपना जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप इतना समय निकाल के यहाँ आए हमारे गांव में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपका ये प्रयास जो है कि यहाँ पे आके हमारे गांव को कवर करना, हमारी जो ट्रू स्टोरीज हैं उनको बताना, हमें पूर्ण विश्वास है कि मतलब कहीं ना कहीं इस गांव को उसका फल मिलेगा। बिल्कुल। और इसी प्रयास से हम, ये जो हमारा प्रयास चल रहा है ये पलायन को रोकने के लिए है जी। और जिस चमत्कारी पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आपने दर्शन कर ही लिए हैं उसके। हाँ जी। कि एक अद्भुत पत्थर है हमारे गांव के अंदर, ग्राम सैकुड़ा के अंदर, जिसे हम इंग्लिश में बैलेंसिंग रॉक भी कह सकते हैं, बैलेंसिंग स्टोन भी कह सकते हैं। और जब 7-8 साल पहले मेरे मन में ये बात आई कि ये जो पत्थर हमारे गांव में वीरान पड़ा हुआ है जंगलों में, जिसका कोई, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो अचानक ऐसे कोई समय आया होगा कि मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट होना होगा जी जी। तो एक पुकार थी, तो मैं वहाँ आया उस पत्थर के पास, और जो है एक टाइप का प्रण लिया कि इस पत्थर से कैसे हम पलायन रोके। तो हमने ना ही टूरिज्म क्षेत्र में कोशिश की इसको प्रमोट करने की,
और हमने जो हमारा जैविक खेती है उसकी तरफ भी ध्यान दिया, और यहाँ भगवान की कृपा से अभी लगभग 15 लोग फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ 10-12 लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को भी और साथ ही साथ जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं जोड़ के आर्थिक मदद भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो सांस्कृतिक हमारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि बचा के रखें, क्योंकि उत्तराखंड में आप जानते ही हैं कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम जैविक खेती की तरफ बढ़कर यहाँ पे रोजगार दें, और साथ ही साथ वो चमत्कारी पत्थर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके वो उसमें एक पोटेंशियल है बहुत बड़ा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे गांव में स्थिर कर देगा, यहाँ पे लोगों को ठहरा देगा। इसलिए मुझे देखिए ये जो शुरुआत हुई है ना वो पलायन रोकने की, वो इन्हीं से हुई है क्योंकि ये लंदन से वापस आए हैं और शायद इस चमत्कारी पत्थर ने ही इन्हें वापस बुलाया है। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही है, क्योंकि अगर वो पत्थर की जो पॉजिटिव एनर्जी है अगर वो मेरे हृदय में नहीं आती तो मैं कैसे इस कार्य को कर पाता। तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो जब मेरे अंदर समा गई तो उसकी उसी आधार पर हमने जो है इस ये प्रयास किया कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण किया जाए, ना ही इसी गांव का पर भिन्न अलग अलग गांव का भी, क्योंकि अलग अलग गांव से भी हमारे यहाँ नौजवान रोजगार के लिए आते हैं। हम उनको कभी पार्ट टाइम देते हैं, कभी फुल टाइम देते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। काफ़ी लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, उसमें गुप्ता फैमिली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जो हमारी खेती से जुड़ी, उसमें प्रामाणिक फैमिली है जो हमारे हॉस्पिटैलिटी यूनिट से जुड़ी, उनके अलग अलग अनुभव थे, उनकी एक्सपर्टीज थी, उनको मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में मिलाया। अब हम सब मिलके इस गांव का ही नहीं बल्कि कम से कम 10 गांव का कल्याण करने का सोच रहे हैं, जो हमने टारगेट बनाया है अगले 10 सालों का। जी, अगले 10 सालों में पूरी कोशिश है कि हम कम से कम नहीं तो इस क्षेत्र का पलायन तो रोक सकते हैं, पूरे उत्तराखंड का नहीं तो। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, और मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि आप बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लें, पलायन को रोकने में जितना आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं आप कीजिए, और यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी को यहाँ का युवा सरपंच होते हुए सभी को निमंत्रण देता हूँ कि आप आइए, जो है गांव के दर्शन कीजिए, पत्थर के भी दर्शन कीजिए, और हमें समर्थन कीजिए कि कैसे हम पलायन को रोक सके। धन्यवाद सपना जी। ये है शाम का यहाँ मज़ा। अभी देखो 5:30 का टाइम हुआ है, अंधेरा हो गया है और हमें बॉनफायर की ज़रूरत भी पड़ी है क्योंकि 11 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है यहाँ पे। साथ में हमें स्नैक्स मिल गए हैं। देखिए हमारे यहाँ दिवाली पर दिए लगाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर ये हर रोज़ दिए लगाते हैं। देखिए ये है मजा यहाँ रहने का। साथ में भैया खाना साथ में हमारे टिकू चाचा खाना बना रहे हैं और मैंने रोटियों पे घी लगाने का काम किया। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, भाई लोगों ने यहाँ पे सेकने में थोड़ी सी हेल्प की है और अब हमारे खाने की बारी है क्योंकि गर्मा गर्म चाचा जी कह रहे हैं कि गर्मा गर्म खाना खा लो तो मुझे अच्छा लगेगा, तो हम इसलिए अब गर्मा गर्म खाना खाने के लिए तैयार है। आलू गोभी की सब्जी और जो हमने वो फली दिखाई थी ना वहाँ पे शाम को, उसकी सब्जी बनाई है, साथ में अचार और ये चटनी स्पेशल, मजा आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर बहुत देर से बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, इवन यहाँ पर विशाल और रवि भी आए हुए थे जो हमारे साथ शाम को ट्रैक पे भी गए थे। मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हम घर में बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, खाना बन रहा है साथ में और फटाफट से अब खाना हम खा रहे हैं। और अभी शायद टाइम कितना हुआ है, 7 बजे, तो जैसा कि हमने बताया था अभी 6:30 बजे है लेकिन यहाँ पूरी रात हो गई है तो यहाँ पर जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी ही उठते हैं, तो हम भी अब बस जल्दी से खाना खाएंगे। आपने चूल्हे पे रोटी बनते हुए तो हमेशा देखी होंगी, बॉन फायर में कभी रोटी बनते हुए देखी है? मजा आ रहा है, हम लोग यहाँ पे हीट भी ले रहे हैं और साथ में रोटियां बन रही हैं गरम गरम। It was really an amazing experience, मैं बस क्या बताऊँ आपको, लेकिन बहुत मज़ा आया सच में। यहाँ पर इस विलेज को जितना हमने जाना, यहाँ के लोगों से हम मिले,
जो इनके अंदर वो भावना है ना कि यहाँ पर लोग यहाँ से जाए नहीं, उसके लिए आप यहाँ पर जब आएंगे जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन ये भी होगा अगर जो टैरिफ है उसमें आप डिस्काउंट ना मांगें तो यहाँ पर, क्योंकि वैसे भी जो इन्होंने बेसिक टैरिफ रखा हुआ है अभी, जो नीचे के रूम्स हैं रूम सेम है, सिर्फ थोड़ा सा व्यू का फ़र्क है, तो वो रूम आपको 2000 rupees पर पर्सन मिलता है इंक्लूडिंग ऑल मील्स दिस विलेज वॉक। और अगर ऊपर वाले रूम में जिसमें हम रह रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप रहेंगे तो आपको ये 3000 पर पर्सन इंक्लूडिंग ऑल मील्स पर नाइट आपको देना होता है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं प्लीज़। यही कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से काफ़ी रहेगा, लेकिन जब आप यहाँ रहेंगे ना, जैसे ये गोबर और मिट्टी का जो लेप है उससे ये लिपा हुआ है, जो एनर्जी है ना वो सच में, हम रूम के अंदर भी बैठे हैं ना, कोई ऐसा नहीं है कोई स्मेल है, लेकिन एनर्जी अलग है। और यहाँ से जब सुबह आप अपनी खिड़की खोलेंगे और सामने जो माउंटेन्स देखेंगे, सामने आपको स्नो पीक्स दिखेंगे, त्रिशूल पर्वत दिखेगा, सनराइज दिखेगा, चिड़िया वहाँ पे चहचहा रही होंगी, वो जो पूरा एम्बियंस होता है ना वो सच में अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इसी तरह से ये और भी एक्सपीरियंसेस आपके लिए क्रिएट करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स देखिए जब आप अलग एक्सपीरियंस कुछ लेते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है। तो अगर आप ग्रुप्स लेकर यहाँ आते हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट कॉल ज़रूर कीजिए बेस्ट डील्स के लिए, ग्रुप्स के लिए इनके पास और भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल, इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो हमेशा देखते हैं कमेंट करके बताएं उनको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।